अगली खबर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की है, जहां खरगोन जिले की जैतापुर चौकी के अंतर्गत बीती रात दो बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप के मुनीम से 4 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद पेट्रोल पंप के मालिक राकेश भंडारी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि मुनीम शेख अल्फात पंप से 4 लाख का कलेक्शन लेकर जीरिंग जा रहा था। इस दौरान दो बदमाशों ने मुनीम से लूट की है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच का विषय बताकर जांच में जुटी हुई है। पेट्रोल पंप पे मुनीम के साथ में लूट की घटना हुई, करीब 4 लाख रुपए से अधिक की राशि सर लूट के ले गए। किस प्रकार की सर वारदात हुई, पुलिस क्या कर रही है? पेट्रोल पंप पे नहीं लूट हुई है, वो पेट्रोल पंप से वो उनके सेठ की जीनिंग है, वहाँ पर जा रहा था पैसे देने, और खेतों के बीच से आकर दो लोगों के द्वारा लूटना बता रहा है। वो FIR कर रहे हैं और कर ली FIR और सभी जगह नाकेबंदी कर दी और सभी जगह सर्चिंग कर रहे हैं। क्या लगता है सर, जिस प्रकार से घटना हुई है और 8:45 बजे की सर ये वारदात है, ये मतलब लगना क्या लगना चाहिए, किस प्रकार से सर ये घटना को अंजाम दिया गया सर? बता रहे हैं कि कट्टा अड़ा के जो फरियादी जो बता रहा है उसका कहना है कि दो व्यक्ति थे, एक के हाथ में डंडा था और एक के हाथ में कोई हथियार था। वो भी कन्फर्म नहीं है अभी कि वो पिस्तौल थी या क्या हथियार था, और उसने उनको धमकी दी कि गोली मार दूंगा। में लगे हैं, जैसे ही जानकारी और बढ़ती है, डेवलप होती है, आरोपी तक पहुँचते हैं, आपको हम बताएंगे। 4 लाख रुपये से अधिक की राशि थी, किस प्रकार की घटना हुई? ये मेरे पंप से मेरा मुनीम मेरी जीनिंग पे जा रहा था चौकीदार को पैसे देने, ताकि मैं यहाँ जल्दी निकल गया था, मुझे पार्टी में जाना था गणेश मंदिर में, तो मैंने उसको बोल दिया था कि पेमेंट यहाँ पे दे देना, मैं आके वहाँ से रिटर्न में कलेक्ट कर लूँगा। तो उस बीच में इसका 8:45 बजे के आसपास का फ़ोन आया कि भैया ऐसी ऐसी वारदात हो गई है मेरे साथ, दो बजे मुँह पर कपड़ा बांधे हुए लोगों ने बंदूक लगा ली और मेरे से बैग छीन के ले गए। कितनी राशि थी उसमें? 4,06,000 और समथिंग थी इसमें। क्या लगता है कि घटना जिस प्रकार से हुई है, तो आपको क्या अंदाज लगता है? अब उसके बारे में अपन क्या बताएं, आज तक 5 साल में आज तक ऐसे हमारे कंपनी में कोई वारदात नहीं हुई है। क्या रेकी करके इस तरह के बारे में? हो सकता है रेकी करी हो। पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करी? क्या पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। अब उनसे यही है उम्मीद कि अब इस चीज़ को अंजाम दे। क्या नाम? राकेश कुमार भंडारी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।